अभी हम आज जा रहे हैं फिलहाल खेत, क्योंकि खेत का भी लास्ट सीजन चल रहा है। क्योंकि पहला सीजन में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बना पा रहा था, तो मैंने अपना धन्नो उठाया, देख सकते हैं इसी में जाऊंगा। ये देख सकते हैं पीछे रास्ता, देख सकते हैं। साइकिल जनरली मैं बहुत कम ही चलाता हूँ, लेकिन अभी तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि बाइक का कोई साधन नहीं है मेरे पास। तो चलिए फिलहाल खेत निकलने के बाद देखते हैं वहाँ का क्या पोजीशन है। एक दो किसान दर से बातचीत करने का भी कोशिश करूँगा कि किस तरह से होता है क्या नहीं। देख सकते हैं इस तरह का बीज जो है, मतलब पहले खेत से उठा के एक झुंड में बांध के मतलब रखते हैं, फिर इसको फिर से रुपाई होता है मेरे ख्याल से। हालांकि हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी कुछ किसानदारों से बातचीत थोड़ा करने का कोशिश करेंगे। हालांकि वो लोग तो अपने काम में मग्न हैं। देख सकते हैं खेत जो है सब लगभग अभी रेडी हो गया है, तो धान रोप दिया गया है। कुछ कुछ खेत जो है बाकी है, बाकी बरसात जो है ये सीजन में काफ़ी अच्छा ही हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक खाली खेत ही खेत दिख रहा है। इस साल लगता है कि मतलब धान का जो है चास वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है और होगा भी, मतलब फलन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है इस साल, क्योंकि बारिश ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है। अभी एक किसानदार आ गया है इधर, इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे हम। ये आज कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का? हाँ, हो जाएगा। एक दिन में कितना लेबर फेयर सब तुम ही लोग लगाए है ना? हाँ। अच्छा, टोटल कितना है? टोटल 23 आदमी। और खेत कितना बड़ा है उसका, मतलब एरिया पता है तुमको? साढ़े तीन बीघा। अच्छा, मतलब एक दिन में आज कंप्लीट हो जाएगा? मोटा मोटी आपका वही शाम तक कंप्लीट हो जाएगा ना? तो जैसे इन लोगों से बातचीत किए तो जानकारी जैसे हुआ तो इतना टाइम लगता है। हालांकि बहुत मेहनत भी लोग करता है और यही लोगों के मेहनत के फल हम लोगों को मिलता है कि धान या चावल जो भी बोल सकते हैं वो कंप्लीट करके हम लोगों को देता है। तो किसान जब तक नहीं रहेगा, खासकर से हम लोगों का झारखंड में, तब तक जो हम लोगों का जीवन जीविका है वो सही से नहीं चल सकता है। गर्मी भी काफ़ी है आज, और देखते हैं कुछ किसानदारों से बातचीत आज करते हैं। चलो आगे चलो, एक किसानदार जा रहा है सामने सामने, चलिए हैं। हमको देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो दिखाने के लिए आया है वो आप लोग देखिए। पहले इधर एक तालाब टाइप का है छोटा सा, और इधर भी एक छोटा सा तालाब टाइप का है कुछ। अभी बीज ये लोग ला रहा है कहीं दूसरा जगह से, मतलब एक छोटा सा खेत में बीज जो है उसकी रोपाई होता है। बीज जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसको उठा के वहाँ से फिर दूसरी जगह पर प्लांट किया। देख सकते हैं इधर का पूरा नज़ारा। एक बैल मतलब को लेके हाल भी चलाया जा रहा है, तो देखते हैं इनसे ही थोड़ा बातचीत करते हैं। अरे बातचीत क्या करना, आप लोग खाली दृश्य देखिए इधर का, कितना बेहतरीन नज़ारा है। देखिए ये सब किसानदार जब तक नहीं रहेगा झारखंड में, तब तक हम लोग भूखे ही मरेंगे। ये लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। ये ज़मीन किसका है, आप ही का है क्या? अभी आज कंप्लीट हो जाएगा ये। देख सकते हो हल देखकर मतलब खेत की जो है अभी जाबड़ जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर रहा है। अभी मिट्टी को जब तक गीला नहीं करेगा तब तक धान का रोपाई इसमें नहीं हो सकता है। और देखिए कितना मेहनत लगता है, तो ये हम लोग तो कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत मेहनत करके फसल का जो है फलन करवाता है। तो ये लोगों का रहना और ये लोगों का काम बहुत ही सराहनीय है और होना भी चाहिए। मेरा पैर तो पूरा एकदम कीचड़ में लसपस हो गया है। देखिए हम भी आज पसीना पसीना हो गए क्योंकि गर्मी बहुत है, और जनरली ऐसे बाहर में धूप में काम करना, या फिर हम तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम खाली वीडियो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गर्मी लग रहा है। हालांकि दुकान में जब रहते हैं तो पंखा चलता है, या घर में रहते हैं तो पंखा वगैरह ये सब चलता है, तो उसमें गर्मी तो कम लगता है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं कि बीज जहाँ पर पहले हम दिखाए यहाँ पर कैसे फेंक फेंक के रखा है, मतलब ये खेत में आज ये लगाया जाएगा।
इस तरह से चारों तरफ देख सकते हैं फेंक फेंक के कैसे रखा है। मतलब ये खेत रेडी हो गया है हल वुल चला के, अभी इसमें खाली बीज जो है, मतलब ये चावल का जो पौधा है या फिर जो भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी तो हमको उतना ठीक से बढ़िया तरीके से आता नहीं, ये इसको प्लांट कर दिया जाएगा जिसमें। देखिए ये सब कीचड़ में भी हमको फिर उतरना पड़ेगा, देख सकते हैं पैर पूरा लस पसा गया मेरा, देख सकते हैं। देखिए कुछ वर्कर्स को लगाया गया है यहाँ पर काम के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कोई चीज़ का पेड़ है यहाँ पर, थोड़ा छांव हमको मिला बहुत देर बाद, तो थोड़ा यही इसी जगह में रुकते हैं। देखिए ये लोगों को काम करने का तरीका, सब लाइन बाय लाइन लग जाती है और बहुत जल्दी अपने कामों को अंजाम देती है, और होना भी चाहिए अपने काम में। ये लोग बहुत ऑनेस्ट रहती है, क्योंकि पूरा दिन काम करके ये लोग 300-350 रुपये एक एक को हाजिरी, मतलब इनकम होता है, और होना भी चाहिए, सब इंडिपेंडेंट है आज के ज़माने में। कितना टाइम लगता है तुम लोग का, मतलब अभी जो किया है, अभी जो बीज रोपाई तुम लोग खेत में कर दिया है, वो मतलब पकने में कितना टाइम लगता है? अभी कितना कौन महीना में पक के रेडी है? कम से कम छठ पूजा के बाद से स्टार्ट करेंगे शुरू काटना। हाँ छठ पूजा मतलब हो गया तुम्हारा काली पूजा के बाद। हाँ काली पूजा के बाद मतलब तुम्हारा नवंबर। हाँ क्या? हाँ नवंबर, नवंबर में पक के रेडी हो जाएगा, तब ये लोग सब स्टार्टिंग। हाँ धान जो है काट के अपना जो घर सब लेके चला जाएगा, फिर धान झाड़ के ये लोग पता नहीं घर में रखता है या फिर कहीं पर देता है बेचता है, वो बाद में ब्लॉग में बनाएंगे, जब होगा वो तब का ब्लॉग में दिखाया जाएगा। अभी तत्काल कैसे क्या मतलब क्या हुआ उसी का ब्लॉग बनाएं। लगभग अभी हो गया ये अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना लगेगा पकने में, उसके बीच में देख रेख तुम ही लोगों को करना पड़ता है, बीच बीच में आता है मतलब गाय बकरी जैसे चर नहीं जाए, ये चीज़ होता है, खाद मारना पड़ता है और दवाई देना पड़ता है। उस समय लगभग कितना खर्चा हो जाता है? एक मान लो तुम अभी तक जितना तुम लोग खेत रोपा है उसमें टोटल लगभग कितना खर्चा आ जाता है, स्टार्टिंग से लेकर धान काटने तक, काटने का बात मत बोलो अभी तक, मतलब अभी तुम लोग रोपा जाएगा रोपाने तक 15,000 लगभग खर्चा हो जाता है। जितना अभी पहले जो बोले कितना एकड़ ज़मीन है, वो किसान एक किसानदार से बात की, तो इसी में हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग खेत में मेहनत करते हैं या फिर फसल लगाते हैं वो लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। हालांकि काम करने में तकलीफ़ नहीं है, उन लोगों का वो काम ही रहता है, और एक हैबिट का बात है, हम लोग का हैबिट नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो लोगों का हैबिट हो गया, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए किसानदार का रहना भारत में हम लोग का बहुत ही ज़रूरी है। ये लोग जब तक नहीं रहेंगे तो हम लोग शायद उतना मेहनत कभी नहीं कर पाएंगे ये लोग इतना करते हैं। हालांकि वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, लेकिन कुछ स्पेशल है हम लोगों से वो लोग, स्पेशल इसीलिए बोला जाता है कि वो जो कर सकते हैं हम लोग कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कमियाँ हम लोगों में है वो लोगों में नहीं।